दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर राजनीतिक दलों और नेताओं के बयान तो आ ही रहे हैं। अब पहली बार पूरे मसले पर उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का बयान सामने आया है। उनका ये बयान केजरीवाल को रिमांड पर भेजने के कुछ घंटे पहले आया। सुनीता केजरीवाल ने ट्वीट करके लिखा कि आपके 3 बार चुने हुए मुख्यमंत्री को मोदी जी ने सत्ता के अहंकार में गिरफ्तार करवाया, सबको क्रश करने में लगे हैं। यह दिल्ली के लोगों के साथ धोखा है। आपके मुख्यमंत्री हमेशा आपके साथ खड़े रहे हैं, अंदर रहें या बाहर, उनका जीवन देश के लिए समर्पित है, जनता जनार्दन सब जानती है। जय हिंद। वहीं कोर्ट ने केजरीवाल को 7 दिन की रिमांड पर भेजा है। केजरीवाल अब 28 मार्च तक ईडी की रिमांड पर रहेंगे। इस पूरे मामले पर आप नेता गोपाल राय ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज कराने के लिए आम आदमी पार्टी 26 मार्च को प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेगी। साथ ही पार्टी कार्यकर्ता विरोध में होली नहीं मनाएंगे। आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में होली नहीं मनाने का फैसला किया है। वहीं दिल्ली के मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि काफी देर के बाद अरविंद केजरीवाल के परिवार से मिले। हम शुरू से ही कह रहे हैं कि यह मामला झूठा है और इसका एकमात्र मकसद अरविंद केजरीवाल को रोकना है। उन्होंने कहा ईडी ने अब तक क्या बरामद किया है। पार्टी का रुख है कि सीएम को इस्तीफा नहीं देना चाहिए। सीएम जहां भी होंगे सरकार वहीं से चलेगी। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है और कोई कानून भी नहीं कहता कि उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। पूरे मामले की बात करें तो शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। 21 मार्च को 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया। सीएम केजरीवाल को दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया गया है। अरविंद केजरीवाल पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्हें पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया है। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। आतिशी के बयान के बाद ये भी सवाल उठा कि क्या केजरीवाल जेल से सरकार चला सकते हैं या उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इस मामले में कानूनी जानकारों का कहना है कि अरविंद केजरीवाल अभी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए बाध्य नहीं है। ये अलग बात है कि वो खुद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दें। 1951 के जन प्रतिनिधि कानून में कहीं इसका जिक्र नहीं है कि जेल जाने पर किसी मंत्री, मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक को इस्तीफा देना होगा। कानून के मुताबिक किसी मुख्यमंत्री को तभी अयोग्य ठहराया जा सकता है जब उन्हें किसी मामले में दोषी ठहराया गया हो। इस मामले में केजरीवाल को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है, उन्हें अभी सिर्फ गिरफ्तार किया गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द ही नया वीडियो लेकर आपके सामने फिर आएंगे। बने रहें न्यूज़ नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।